लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जहां अल्पमत में आ चुकी है, क्या वाकई अब हरियाणा में नायाब सिंह सैनी की सरकार गिरने वाली है? क्या मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे? इसका मुख्य कारण कांग्रेस नेता राहुल गांधी बताए जा रहे हैं। राहुल गांधी की मौजूदगी जल्द हरियाणा में देखने को मिल सकती है और ये मौजूदगी कई विधायकों को खींच भी सकती है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। हरियाणा में सियासी बवाल और सियासी बवाल के बीच में फंसी हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी जिन विधायकों को लेकर दावा अब तक करती हुई नजर आई थी, वही विधायक अब भारतीय जनता पार्टी का साथ एक एक करके छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच अब हरियाणा में चुनाव की तैयारियां हैं, क्योंकि चौथा चरण समाप्त होने के साथ जब पांचवा चरण भी अब समाप्त होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मात्र कुछ ही दिन का समय बाकी है और पांचवें चरण में मतदान है और उसके बाद अगले चरण की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू की जाएंगी और हरियाणा में भी चुनाव है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीट जिस पर कांग्रेस पार्टी इस बार 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं एक सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है। तो यानी कि 10 सीट में गठबंधन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में देखने को मिला। वहीं इसी बीच भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारती हुई नजर आ रही है। जननायक जनता पार्टी ने दूरियां भारतीय जनता पार्टी से बनाई, क्योंकि लोकसभा सीटें उन्हें नहीं दी गई। इस बीच में बड़ी बात है कि अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, तमाम दिग्गज चेहरे अब रैलियां करने आएंगे हरियाणा में। तो क्या ऐसे में जो 3 निर्दलीय विधायक समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ रुख कर गए थे, क्या बाकी बचे हुए विधायक या फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी इतर बितर होते हुए नजर आएंगे? क्या अनिल विज, जिनकी भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है, जो 6 बार अम्बाला से विधायक रह चुके हैं, क्या वो बागी तेवर आजमाते हुए नजर आ सकते हैं? क्या मंच पर दिखाई दे सकते हैं राहुल गांधी के? ये बड़े सवाल अभी भी बन रहे हैं। इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।